हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 14। इसमें नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, नॉन लीनियर इक्वेशन, उनको सॉल्व करने के मेथड पढ़ रहे थे और ये हमारे पास चार पांच मेथड पढ़ेंगे। चार पांच मेथड फ्रेंड्स किसी तरह की भी नॉन लीनियर इक्वेशन हो उसको सॉल्व करने के लिए यूज होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप से समझेंगे चार पांच मेथड से किस तरह से क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास 2xz माइनस px स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस pq इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हमें सॉल्व करना है बाय हेल्पिंग यूज ऑफ चार्पिट मेथड। तो फिर चार्पिट मेथड के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो फंक्शन दिया हुआ होता है उसको f बराबर लिख लेते हैं 2xz प्लस माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस pq। ये हो गया हमारे पास, इसको फंक्शन लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, डेल f अपॉन डेल x निकालते हैं। तो डेल f अपॉन डेल x इसका निकालें तो हो जाएगा 2z, इसका निकालेंगे तो माइनस 2px, इसका निकालेंगे तो माइनस 2qy। ये हो गया। उसके बाद हम निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो इसका ये हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ओनली इसका आएगा तो माइनस 2qx। ये हो गया। उसके बाद हम निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो फिर डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालते हैं तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहां पे है हमारे पास जेड और कहीं पर भी नहीं है, तो यहीं से हो जाएगा हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर 2x। उसके बाद निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल पी। डेल एफ अपॉन डेल पी निकालते हैं तो यहां से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसका माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस क्यू यहां से। अब डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकालते हैं तो यहां से हमारे पास निकलेगा माइनस 2xy, क्योंकि इसका ये और बाकी टर्म तो कांस्टेंट रहेंगे और ये प्लस क्यू सॉरी पी। ये हमारे पास आ गई डेल एफ अपॉन डेल एक्स से लेके ये सारे निकालने हैं चार मेथड में। उसके बाद एक कंडीशन होती है हमारे पास डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यानी ये जो कंडीशन है ये हमें याद रखनी है फ्रेंड्स, इस कंडीशन का हमें यूज करना होता है। उसके बाद हम करते हैं एक फॉर्मूला, तो चार पांच मेथड का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास डीपी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन, ये है हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये दोनों। उसके बाद यहां से डी जेड, डी जेड बराबर है फ्रेंड्स हमारे पास माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड डेल पी सॉरी माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। उसके बाद आता है हमारे पास डी एक्स, डी एक्स के नीचे है हमारे पास माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी एंड डी वाई के नीचे है माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू, यानी ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो याद रखना होता है हमें डेल पी बराबर डेल पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, यानी डी पी के नीचे एक्स के साथ और पी जेड का डिफरेंशिएशन, डी क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल जेड बराबर माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल क्यू माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, और डी एक्स के नीचे माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी और डी वाई के नीचे माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। अब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहां से और p डेल एफ अपॉन डेल जेड, p का मल्टीप्लाई करके इसमें वैल्यू पर पुट करेंगे तो यहां पे 2xp होगा, क्योंकि इसमें p का मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2xp और 2xp से ये कट जाएगा क्योंकि ऐड करना है तो ये टर्म कट जाएगी और हमारे पास नीचे आएगा 2z माइनस 2qy। ये हो गया हमारे पास। अब हम d
डी क्यू के नीचे की बात करें तो डी क्यू बराबर डेल एफ अपॉन डेल वाई यानी कि माइनस टू क्यू एक्स, क्यू इंटू डेल एफ एम, इसमें टू का क्यू का मल्टीप्लाई करके क्यू का मल्टीप्लाई करने के बाद एड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। अब डी जेड के नीचे बात करते हैं तो माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी, इसमें माइनस मतलब माइनस पी का मल्टीप्लाई करके और इसमें माइनस क्यू का मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पी एक्स स्क्वायर, माइनस पी का मल्टीप्लाई करके माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी फिर इसके बाद माइनस पी क्यू आएगा और इसी तरह यहां से भी जब इसमें क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू पी क्यू प्लस टू क्यू एक्स वाई, जब इसमें क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस क्यू का, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, तो माइनस का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू, क्योंकि इसमें से माइनस का मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एंड डी वाई के नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स वाई माइनस क्यू। अब फिर हमें यहां पे क्या करना होता है, हमें कुछ सॉल्यूशन निकालना होता है, कोई भी दो टर्म को लेके सॉल्यूशन निकालना होता है, और अगर सिंगल से निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सपोज दैट जैसे कि अब इसमें हम देख रहे हैं ये, तो यहां से हमारे पास आ रहा है डी क्यू इक्वल टू जीरो, तो यानी क्यू बराबर कोई कॉन्स्टेंट है ए। अब ये क्यू की वैल्यू हमें यहां पुट करनी है डी जेड में, तो क्यू की वैल्यू जब हम यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी जेड बराबर क्यू की वैल्यू पुट करनी है हमें ए, तो ये हो गया हमारे पास पी डी एक्स और ए पुट करिए क्या, तो ये हो जाएगा प्लस ए ऑफ इधर डी बाई, और साथ ही फ्रेंड्स अगर हम Q की वैल्यू यहां पुट करें इस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन थी इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास यहां से P की वैल्यू निकालेंगे हम, तो उसको निकालने के लिए ये क्लियर कर देता हूं, ये हो गया हमारे पास यहां पे अगर हम P की Q की वैल्यू A पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2xz माइनस P एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स वाई प्लस ए पी इक्वल टू जीरो, तो यहां से इस टर्म से उस टर्म को बदलने गए हम, तो ये हो जाएगा टू एक्स जेड प्लस टू ए एक्स वाई इक्वल टू इस टर्म को और इस टर्म को बदलने गए तो ये हो गया हमारे पास, और पी कॉमन ले लिया साथ में तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये हो गया। तो यहां से अगर इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, टू एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया टू एक्स जेड माइनस सो जेड प्लस टू एक्स कॉमन ले लिया तो टू ए वाई, और यहां से पी बराबर इसका हम डिवाइड कर दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए, यानी पी बराबर ये आ गया हमारे पास, क्यू बराबर ए था हमारे पास और पी बराबर ये आ चुका है। अब ये वैल्यू दोनों इस इक्वेशन में देते हैं तो डी जेड बराबर अगर ये वैल्यू इसमें रखें तो ये हो गया हमारे पास टू एक्स जेड प्लस टू ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए ऑफ डी एक्स प्लस ए ऑफ डी वाई, फिर ये टर्म हमारे पास आ चुकी है। अब इस टर्म का सॉल्यूशन हमें निकालना है,
ये सॉल्यूशन निकालने के लिए dz बराबर हो जाएगा हमारे पास dz ये टर्म बदल लिया है तो dz माइनस ए बी वाई इक्वल टू टू एक्स जेड प्लस टू ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब इसका जेड प्लस टू ए वाई ये डी एक्स है, जेड प्लस टू ए वाई का डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास डी जेड माइनस ए डी वाई अपॉन जेड प्लस टू ए वाई और ये हो गया इक्वल टू टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए ऑफ डी एक्स। फ्रेंड्स मैंने यहां पे मिस्टेक किया, जब हमने टू कॉमन लिया तो यहां से टू कॉमन आ गया था और साथ ही जो प्रॉब्लम थी हमारे पास उसमें यहां पे माइनस साइन था, ये मैंने दो मिस्टेक किए उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। ये हो गया जेड माइनस ए वाई, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे भी जेड माइनस ए वाई था और ये भी जेड माइनस ए वाई था। तो अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए जेड माइनस ए वाई को हम टी मान लें तो जेड माइनस ए वाई इक्वल टू टी मानेंगे तो डी जेड माइनस ए डी वाई बराबर डी टी, और इस तरह अगर इसको भी मानेंगे नीचे वाली टर्म को तो ऊपर वाली टर्म से बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए बराबर बी, तो ये हो जाएगा टू एक्स ऑफ डी एक्स बराबर डी बी, यानी हमारे पास सिंपली वन अपॉन टी ऑफ डी डी टी एंड इक्वल टू वन अपॉन बी ऑफ डी बी। तो यहां से ये हो गया हमारे पास लॉग, और टी की वैल्यू अगर पुट करें टी की वैल्यू क्या है जेड माइनस ए वाई, जेड माइनस ए वाई इक्वल टू लॉग बी की वैल्यू पुट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए और प्लस कॉन्स्टेंट कर लो लॉग सी। अब कॉन्स्टेंट कुछ भी ऐड कर सकते हो, मैंने लॉग सी कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया तो यहां से हो गया हमारे पास लॉग जेड माइनस ए वाई इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए डॉट सी, क्योंकि लॉग एन प्लस लॉग एन बराबर लॉग एन डॉट एन होता है। तो यहां से हमारे पास सॉल्यूशन लिख सकते हैं इसका, यहां पर मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं जेड एंटी लॉग लिखे तो जेड माइनस ए वाई इक्वल टू लॉग एंटी ले लेने एंटी लॉग लेने पर जो लॉग हट जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए डॉट सी। तो फिर ये इसका सॉल्यूशन आ गया जेड माइनस ए वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए डॉट सी। इस तरह से किसी भी डिफरेंशियल जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हम चार फिट मेथड की हेल्प से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कहीं डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9460689761, मेरी मेल आई डी है HITESSMEENA978516@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स।